ईसा मदीना की हदीस पेश कर आका द्वारम का फरमान है फातिमा बिजात मिलनी कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बुजुर्ग दीन हजरत डॉक्टर इलामा इकबाल साहब ने लिखा नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखरी पाक दी अखा का नूर है। सैयदा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नबी पाक दिया अखा का क्योंकि पाक बीबी का जिक्र सुनवाने लगा। इलामा साहब कहते हैं पाक बीबी बिन्नते मोहम्मद मुस्तफा नबी पाक दिया अखा का नूर है। अख होवे ते अख विच नूर ना ना होवे ते फिर भाई दिसदा कुछ नहीं। क्यों सही अख का नूर जेड़ा अपने बेगाने की पहचान भी ये होती है। उच्चा नीवा थां भी यही दसद बल्कि सारे जिसम का जी आसरा अख का नूर। मेरी धी फातिमा तो ज़हरा जन्नत दिया तमाम औरतों ने समझा रहे दुनिया में दो बतूल हैं।
हसन मुस्तफा ने अर्ज कर दी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतूल की होती है। आका ने फरमाया बतूल वो होती है जो औरतों की इलावा से पाक हो। सेंसर फरमाया एक पाकिस्तान की वालदा माजदा मरियम बतूल है, एक मेरी बेटी फातिमा तुजारा बतूल है। बाबा साहब बतूल कहते ने पाक नो, बतूल कहते ने पाक नो, बतूल कहते ने पाक नो, पाक नो सरकारे मरियम ना खामद होने के बावजूद पाक ने ते नबी पाक दी पाक बेटी खामद दे मौजूद होते पाक मरियम ये जानती है जिन्हों रब चाहे हाशमी है, मैं भी हाशमी हूं,
बाबा शाह जी मेरे फिक्रे वाल मेरे वालों वेख के सदका इस पाक बीबी का फिक्रा सुना। मोहम्मद मुस्तफा सरकार फरमाते हैं कि मेरा बेटा मैं भी हाशमी तू भी हाशमी मैं भी मुतलबी तू भी मुतलबी इमाम हुसैन मोहम्मद मुस्तफा का मुंह छुप कहते हैं नाना जी फिर मेरी शान उतां भी जाती है। मोहम्मद मुस्तफा फरमाते हैं किवें ते इमाम हुसैन आते हैं नाना जी मैनू ये दसो हां मेरे नाने जो है तुहाडा नाना है जेड़ा मुहम्मद विचों है ते उहदे विचों मुहम्मद है जिन्हों वो सजदा करे वो पाक बीबी फातिमा तो ज़ारा बनती है जिदे कदमां उत्ते रखे हुसैन सर जिदे कदमां उत्ते रखे हुसैन सर वो साहिबे